हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटेक्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टर्म. कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जितने भी यूनिट्स थे वो सब के एक एक करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज इंटेक्स के हमने कर लिए थे. अब एक्सरसाइज का 2.4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा गया है कि द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज्ड इन लेबोरेटरी, मतलब हम केमिस्ट्री लैब में जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, इट इज़ जनरली उस पर ऐसा लिखा होता है कि 68% बाय मास. बाय मास जब वर्ड आएगा तब आप W/W लिखेंगे, बाय वॉल्यूम आएगा तब V/V, एंड सिर्फ परसेंटेज लिखा होगा तब W/V. ये ऐसा बाय मास है 68%, और वो सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी है 1.504. देन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि जब जब परसेंटेज वाले सॉल्यूशन आए तब आपको क्या कर देना है, पहले उसे अलग लिख देना है. W/W में मैंने सिखाया है कि 68 ग्राम सॉल्यूट होता है और ये होगा 32 ग्राम सॉल्वेंट, दैट इज वाटर. जनरली वाटर ही सॉल्वेंट होगा जब तक नहीं बोला गया होगा. इज इक्वल टू 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन मींस W, सॉल्वेंट W1, ये W2 होता है जो आगे हमने देख लिया है. नाउ मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको जब भी जो कैलकुलेट करना है ना उसका फॉर्मूला साइड में लिखे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि हमें क्या रिक्वायर्ड है. मोलारिटी का फॉर्मूला W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू V इन ML. अब आपको तो पता है कि W2 वेट ऑफ सॉल्यूट 68 अपन मोलार मास होगा आपका, ये HNO3 है 63 इंटू, अब मेन है देखिए हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं सॉल्यूशन का, बट सॉल्यूशन का वेट है. सॉल्यूशन का ही देखना है क्योंकि ये वी है ना, V1 V2 नहीं है. सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है बट हमारे पास वेट है, तो वॉल्यूम को वेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो मास अपन डेंसिटी. नाउ डेंसिटी इज गिवन, देख लीजिए 1.504, तो अभी वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू मास, सॉल्यूशन का 100 और डेंसिटी थी 1.504 समथिंग, देन यू विल गेट द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. क्लियर, इट इज द क्वेश्चन नंबर 2.4 ऑफ एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.5 ऑफ एक्सरसाइज, इसमें ऐसा लिखा है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 10% W/W बाय मास. ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उस पर एक लेबल लगाया है जिसके परसेंटेज है 10% और उसकी डेंसिटी दी है 1.2. देन यू हैव टू कैलकुलेट दी मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी, ये तीनों आपको कैलकुलेट करने हैं. नाउ मैंने अभी अभी आपको बताया कि परसेंटेज वाला आए तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसे अलग कैसे कर दे. 20 + 80 इज इक्वल टू 100, W2 W1 ये होगा W. अब एक एक करके फॉर्मूला लिखते जाए. मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू, ये खास पता है ना आपको W1 होता है, 20 × 1000 मोलार मास. ग्लूकोज, एक ग्लूकोज भी याद रख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलार मास है 180, वो भी इस चैप्टर में रिपीटेडली, तीन कंपाउंड ग्लूकोज सुक्रोज एंड यूरिया, तीन कंपाउंड हम रिपीटेडली इस चैप्टर में यूज करेंगे. W1 80, वाटर का वेट, सॉल्वेंट का वेट, देन यू विल गेट द मोलालिटी. नाउ आपको दूसरा फाइंड करना है मोलारिटी,
एक रिलेशन है मोलारिटी और मोलालिटी वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला लगाए, मैंने आपको अगले न्यूमेरिकल में सिखाया है, परसेंटेज वाले में डेंसिटी होगी तो आपको मिल जाएगा। ये होगा 20 × 1000, मोलार मास इज 80। ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वी आर हैविंग वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम की जगह पे वेट कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी आपको मैंने सिखाया, मास अपन डेंसिटी। मास आप कितना लिख देंगे सॉल्यूशन का, 100 दी, परसेंटेज में 100 होता है ना, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.2, देन यू विल गेट द मोलारिटी। एंड थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज अपन टोटल मोल, ग्लूकोज के मोल वेट अपन मोलार मास, वेट 10, मोलार मास 180, फिर से 10 अपन 180, वाटर के मोल, वाटर 80 है, 80 अपन 18, देन यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो वाटर के कितने हो गए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि दोनों के मिला के 1 होते हैं। सो ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.6, इट इज लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा समझ के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलार HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर है 1 ग्राम Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों मिला के, और बाहर से हमें ऐड करना है, बाहर से हमें क्या ऐड करना है, 0.1 मोलार HCl, और वो HCl का जो सॉल्यूशन है वो कितना ऐड करना होगा वो मुझे फाइंड करना है। ये बेस है, दिस बोथ आर सॉल्ट ऑफ बेस, मीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो ये बेसिक हो गए, और ये एसिड है, बट ये दोनों वीक बेस के, मतलब ये जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट है, मतलब इट इज़ नॉट एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए हम N1V1 और N2V2 वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों का वेट दिया है, दोनों मिला के 1 ग्राम है, और इसका इसकी मोलारिटी दी है। अब मोलारिटी को वॉल्यूम के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों को पहले हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे, जब भी कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तब हम मोल निकाल लेते हैं, मोल के साथ आप कंपेयर करेंगे कि कितने ग्राम HCl चाहिए और ये कितने ग्राम है, या तो कितने मोल ये और कितने मोल, मोल में हम कंपेरिजन कर लेंगे। तो पहले दोनों के मोल निकाल लेते, आपको समझ में आएगा ना, ये दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है, दोनों मिला के 1 ग्राम है, तो ये कितने ml चाहिए। नाउ सपोज हम मान लेते हैं कि Na2CO3 जो है ना वो x ग्राम है, x ग्राम मतलब उसके मोल जो है वो, अच्छा एक खास बात मैं आपको बताना भूल गया कि सॉल्यूशन में ऐसा लिखा है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन है, इक्विमोलर सॉल्यूशन मींस मोल्स आर इक्वल किसके, तो NaHCO3 और Na2CO3। नाउ x ग्राम Na2CO3 है, मान लो दोनों मिला के 1 ग्राम है, तो Na2CO3 x ग्राम है, तो मोल कितने हो गए, x मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपन मोलार मास, इसका Na2CO3 का मोलार मास होगा 106, ये हो गए मोल ऑफ Na2CO3। दूसरा है NaHCO3,
NaCO3, अब दोनों मिला के देखिए कितना है, Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों मिला के 1 ग्राम है, तो ये हमने x लिया तो ये होगा 1 माइनस x ग्राम, तो मोल कितने हो गए, मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलार मास। अब NaHCO3 का मोलार मास होता है 84, तो ये हो गए मोल ऑफ NaHCO3 और ये थे मोल ऑफ Na2CO3। अब देखिए मोल तो दोनों के इक्वल है क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वी मोलार, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि सॉल्यूशन इज इक्वी मोलार, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन इज इक्वी मोलार, सो मोल आर इक्वल सॉल्यूशन, या तो मिक्सर इक्वी मोलार है तो मोल इक्वल है, मतलब ये दोनों मोल जो है ना वो इक्वल है, इसका मतलब हम वो दोनों को इक्वेट कर दें, एक्स अपन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपन 84, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, तो ये हो जाएगा 106, मतलब ये इसे आप यहाँ पे जाने दें तो इट बिकम्स 190x और ये रह जाएगा 106, तो x आपको मिल जाएगा 106 अपन 190, देन x बिकम्स 0.557। x क्या था पता है ना, वेट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का वेट था मास, तो वो हमें मिल गया x ग्राम, और ये x तो Na2CO3 था, तो Na2CO3 हमें कितना मिला, 0.557 ग्राम, अपन ये x था ना, और उसका मोलार मास कितना है 106, Na2CO3 का मोलार मास है 106, तो ये हो जाएंगे 0.0053 मोल, ये Na2CO3 के हमें क्या मिल गए, मोल मिल गए, मोल ऑफ Na2CO3। नाउ NaHCO3 के मोल भी उतने ही हो गए, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कितना है 1 माइनस x, पर मोल तो इक्वल हो गए बिकॉज सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन इज इक्वी मोलार, सो मोल आर इक्वल, तो दोनों के मोल मिल गए। अब हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, मोल मिल गया, मतलब नाउ वी कैन कंपेयर, अब हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए कैसे कंपेयर करते, सबसे पहले ये दोनों का रिएक्शन होता है Na2CO3 और NaHCO3 का HCl के साथ, दोनों का अलग अलग रिएक्शन होगा, हम दोनों को बारी बारी से कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे, सबसे पहला HCl के साथ Na2CO3 का यदि रिएक्शन करवाए, देन इट गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, आप बैलेंस करें तो इट बिकम्स 2, ऐसे ये बैलेंस होगा। अब स्टोइकियोमेट्री अपनाइए कि मान लो ये 2 मोल है तो ये कितने रिक्वायर्ड है, 1 मोल, और हमारे पास कितने हैं Na2CO3, ये रहे 0.0053 मोल, तो ये कितने रिक्वायर्ड होंगे, HCl के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 0.0106 मोल HCl रिक्वायर्ड सिर्फ किसके लिए, Na2CO3 के लिए। अभी तो हमारे सॉल्यूशन में NaHCO3 भी प्रेजेंट है, तो उसका क्या होगा, तो उसके साथ जब HCl रिएक्ट करेंगे ना NaHCO3, देन इट गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसे तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑलरेडी बैलेंस है इसमें, मत देखिए ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो अब हम लिखते हैं कि ये 1 मोल है तो ये कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल। अब ये हमारे पास कितना है NaHCO3, यहाँ से पता है हमें, देखिए ये 0.0053 मोल, तो यदि ये 0.0053 मोल है तो ये कितना रिक्वायर्ड है, तो
तो HCl इज रिक्वायर्ड 0.0053 मोल इज रिक्वायर्ड, मतलब इतना HCl हमें किसके लिए रिक्वायर्ड हो गया, NaHCO3 के लिए, और ये HCl Na2CO3 के लिए। तो टोटल HCl कितना रिक्वायर्ड हुआ? ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये देखिए ये 0.0106 हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और ये हमें 0.0053। तो 0.0106 प्लस 0.0053 मोल, इतना HCl हमें रिक्वायर्ड है। तो इट बिकम्स 0.0159 मोल टोटल HCl इज रिक्वायर्ड। ये हमारा आंसर हो गया, इतना HCl रिक्वायर्ड है। अभी हमें कहाँ HCl के मोल पूछे हैं, देखिए हमें तो जो पूछा है वो उसका वॉल्यूम पूछा है, मोलारिटी दी है, वॉल्यूम पूछा है, मोलारिटी तो ये दी है, वॉल्यूम पूछा है। अब मोल मिल गए, मोलारिटी दी है, तो वॉल्यूम भी मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मोल पर लीटर। मोल मिल गए HCl के 0.0159, ये मोल है 0.0159, 0.0159 मोल। और मोलारिटी कितनी है, लीटर कितने हैं वो हमें फाइंड करना है, लीटर मतलब वॉल्यूम तो फाइंड करना है, और ये मोलारिटी कितनी है, तो वो क्वेश्चन में आपको दिया है 0.1। देन लीटर बिकम्स 0.159 लीटर वॉल्यूम, और इसे ml में कन्वर्ट करें ना, तो इट बिकम्स 159 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो ना, 159 ml HCl इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, देन इट इज़ द फाइनल आंसर। खास स्टूडेंट्स ये याद रखना, थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना है। तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर आपका था 2.6, तो ये आपका ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2.6। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका है 2.7, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.7, उसमें आपको ऐसा बोला गया है कि 25% W/W 300 ग्राम सॉल्यूशन, उसे मिक्स कर दिया गया 40% W/W 400 ग्राम सॉल्यूशन के साथ। दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना उसके परसेंटेज W/W कितने हो गए वो आपको फाइंड करना है, जो नया सॉल्यूशन मिला उसके परसेंटेज वेट बाय वेट कितने हो गए वो आपको फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन टोटल कितना बना होगा, ये होगा 700 ग्राम सॉल्यूशन टोटल। अब देखिए मैंने आपको सिखाया है कि दो सॉल्यूशन है, पहला है 20% W/W, इसे हम अलग कैसे करते थे, 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 100, बट स्टूडेंट्स दे आर इट इज़ नॉट 100, इट इज़ 300, तीन गुना सॉल्यूशन है 300। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये इसे तीन से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी कर दीजिए, ये 75 हो जाएगा, और 75 प्लस इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 को, इट बिकम्स 225। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन W2, W1 एंड W। सेकेंड सॉल्यूशन है 40% W/W, तो 40% W/W को आपने अलग किया, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100, बट इट इज़ नॉट 100, टोटल सॉल्यूशन 100 नहीं है, देख लीजिए 400 है, मतलब 4 गुना है, जितना हमें चाहिए उससे 4 गुना, तो इसे भी 4 गुना करना होगा 240, इसे भी 4 गुना करना होगा 160। तो ये हमारी सिचुएशन है W2, W1, W। नाउ टोटल वेट कितना हो गया W, 700। अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज W/W, इससे पहले कि टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, आप देख लीजिए टोटल दोनों को मिक्स किया ना, तो टोटल सॉल्यूट कितना हुआ, टोटल W2 हो गया आपका 160 ये सॉल्यूशन का, और फर्स्ट सॉल्यूशन में था 75, ये हो गया आपका टोटल
तो ये हो गया 235, और टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? तो पहला सॉल्यूशन 300 था, सेकंड 400, बिकम 700. नाउ परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपन डब्ल्यू इंटू 100, सो इट बिकम्स 235 अपन 700 इंटू 100, सो इट इज 33.57% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू. ये सॉल्यूट के मिले, यदि सॉल्वेंट के चाहिए तो 100 में से माइनस कर देना है, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होते हैं. तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7. 2.7 नंबर का क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज का था. तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया.